नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स टू पॉइंट ओ पे तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्कीम ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन तो जो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कर रहे हैं तो वो किस तरीके से होने वाली है उसके बारे में देखेंगे मार्किंग कितनी होगी निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी साथ में क्वेश्चन कितने आएंगे ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ पर बोला गया है देयर शॉल बी थ्री पेपर्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन सब्जेक्ट और नॉलेज एरियाज कवर इन द सिलेबस एज पर द डिप्लोमा इन फार्मेसी एजुकेशन रेगुलशन ट्वेंटी 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 इश्यू बाई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्वेश्चन ऑफ ईच ऑफ दिस थ्री पेपर शॉल बी आस्क फ्रॉम द सब्जेक्ट एज पर द्लू प्रिंट प्रिस्क्राइब बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया तो आपके जो एग्जिट एग्जामिनेशन के पेपर है वो टोटल कितने होने वाले हैं तीन पेपर होने वाले हैं और सब्जेक्ट कौन से होने वाले हैं जो भी सिलेबस में आपके होते हैं मतलब जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट के ऊपर पेपर होने वाले हैं तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ब्लू प्रिंट सब्जेक्ट की ब्लू प्रिंट हमें दी है तो उसी के अकॉर्डिंग तीन पेपर होंगे तो तीन पेपर में कौन से पेपर में कितने सब्जेक्ट आएंगे पेपर वन में कितने सब्जेक्ट आएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे पेपर टू में कौन से सब्जेक्ट आएंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे देन तो नेक्स्ट क्या बोला गया है ईच पेपर शॉल कम्प्राइजेस ऑफ वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपका हर पेपर तीन पेपर होंगे तीनों पेपर में 150 फिफ्टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे ईच क्वेश्चन शॉल हैव फोर रिस्पॉन्स ऑप्शन और डिस्ट्रैक्टर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली तो आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वहां पर आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में कैंडिडेट्स आर रिक्वायर टू सिलेक्ट करेक्ट बेस्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आंसर आउट ऑफ द फोर रिस्पॉन्स ऑप्शन प्रोवाइडेड इन ईच क्वेश्चन तो आपको उसमें से जो सही आपको लगता है

तीन चार और पांच तारीख को होंगे तीन चार पांच अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को होंगे हर पेपर में आपको 150 आएंगे और कितने मिनट्स का होगा वन एटी मिनट का आपका पेपर होगा मतलब तीन घंटे का आपका पेपर होगा ऑल कैंडिडेट शॉल बी डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स एंड शॉल बी रिक्वायर टू टेक दिस पेपर्स इन आइदर मॉर्निंग शिफ्ट और द आफ्टरनून शिफ्ट ईच डे तो जो सारे कैंडिडेट्स हैं वो दो ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं तो उनके जो पेपर होंगे वो किस तरीके से होंगे मॉर्निंग शिफ्ट में होंगे या फिर आफ्टरनून शिफ्ट में होंगे हर दिन देन नेक्स्ट क्या बोला गया है एलोकेशन ऑफ द टाइम फॉर डी पी ई शॉल बी एज फॉलो तो यहाँ पर हमें कुछ टाइमिंग का दिया है तो अलाउ कैंडिडेट्स टू एंटर एग्जामिनेशन सेंटर एंड कमन्स रजिस्ट्रेशन तो यहां पर आप देखिए इसके लिए टाइम दिया है सात बजे का पेपर वन तीन दस दो हजार चौबीस को है तो तीन तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में आपको सात बजे ही वहाँ पर पहुँचना है एग्जामिनेशन सेंटर पे देन एंट्री क्लोजेस एट एग्जामिनेशन सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर पे एंट्री किस टाइम पे क्लोज होगी साढ़े आठ बजे तो साढ़े आठ बजे से पहले आपको सेंटर पे पहुँचना है ग्रैट एक्सेस फॉर कैंडिडेट लॉग इन तो कैंडिडेट का वहाँ पर भी लॉग इन होगा तो एट तक हो जाएगा कैंडिडेट्स लॉग इन टू रीड इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट लॉग इन टू रीड इंस्ट्रक्शन एट फिफ्टी तक होगा देन एग्जाम आपकी स्टार्ट होगी नौ बजे और एंड होगी बारह बजे मॉर्निंग शिफ्ट है अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है तो साढ़े आठ बजे से पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है नौ बजे आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी और बारह बजे आपकी एग्जाम एंड होगी आफ्टरनून शिफ्ट में देखते हैं आफ्टरनून शिफ्ट में आपको टू थर्टी से पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है और आपकी जो एग्जाम है वो तीन बजे स्टार्ट होगी और छह बजे एंड होगी पेपर टू में भी सेम साढ़े आठ से पहले आपको पहुंचना है नौ बजे स्टार्ट होगी बारह बजे मतलब तीनों दिन का जो टाइमिंग है वो सेम है तीनों दिन मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट रहेगी इसी हिसाब से पेपर लिए जाएंगे तो उस हिसाब से आपको आपके सेंटर पे एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है देन नेक्स्ट क्या बोला गया है द एग्जामिनेशन शॉल बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट डिलीवर यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क एज पर प्रिस्क्राइब स्कीम तो जो आपके क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर बेस्ड आपकी ये टेस्ट होगी देन निगेटिव मार्किंग सबसे इंपॉर्टेंट निगेटिव मार्किंग होगी क्या निगेटिव मार्किंग देयर शॉल बी नो निगेटिव मार्किंग तो पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी देन नेक्स्ट क्या बोला गया है फॉर डी पीई विल बी डिवाइडेड इंटू मल्टीपल टाइम बाउंड सेक्शन फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर थ्री टाइम बाउंड सेक्शन सेक्शन ए सेक्शन बी एंड सेक्शन सी इन द क्वेश्चन पेपर इच सेक्शन विल है सेक्शन तो जैसे आपके सेक्शन मतलब जैसे आप के पेपर जैसे फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट में चार पेपर है सेकंड में जो पेपर नंबर टू है वहां पर तीन पेपर है तो जैसे तीन पेपर का आपका सेक्शन है पहला पेपर आपका फार्माकोलॉजी का है दूसरा का ऐसे आपके सेक्शंस जो है वो बनाए गए हैं तो जैसे आपके सेक्शंस है तो सेक्शंस में हर सेक्शन में आपके 50 क्वेश्चन होंगे फार्माकोलॉजी के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे फार्माकोथेरेप्टिक के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और टाइम होगा 60 मिनट्स उनके लिए 60 मिनट्स का टाइम होगा मतलब तीन घंटे का पेपर है पचास क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं हर एक सब्जेक्ट के जैसे हमने वो ब्लू प्रिंट देखी थी वहां पर सब्जेक्ट बताए गए थे तो उस हिसाब से क्वेश्चंस फिफ्टी क्वेश्चन हैं तो हर एक सब्जेक्ट का 50 क्वेश्चन रहेगा एक अगर तीन पेपर है तो एक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन रहेंगे तो यहाँ पर क्या बोला गया है कैंडिडेट वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोसीड द नेक्स्ट सेक्शन अंटिल कम्प्लीशन ऑफ अलॉटेड टाइम ऑफ प्रीवियस सेक्शन एंड कैंडिडेट वुड नॉट बी अलाउड टू रिव्यू द क्वेश्चन और मोडिफाई द रिस्पॉन्स ऑफ द सेक्शन आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द अलॉटेड टाइम ऑफ दट सेक्शन क्वेश्चन ऑफ़ द नेक्स्ट सेक्शन विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ अलॉटेड टाइम ऑफ द प्रीवियस सेक्शन तो यहाँ पर आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर क्या बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट से पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपका जो टाइम है जैसे जैसे आपका जो पेपर नंबर टू है वहाँ पर तीन पेपर होने वाले हैं आपके तो तीन पेपर है तो एक पेपर के फिफ्टी क्वेश्चन आएंगे जैसे फार्माकोलॉजी फार्माकोग्नसी और जैसे एच ऐसे तीन पेपर है आपके तो हर एक सब्जेक्ट के फिफ्टी फिफ्टी क्वेश्चन आएंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको सिक्सटी मिनट्स का टाइम दिया रहेगा तो जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फिफ्टी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उनके सारे फिफ्टी क्वेश्चन सॉल्व जो है वो कर लिए उसके बाद आपको नेक्स्ट सिक्सटी मिनट्स होने से पहले ही आपने अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक आपके सिक्सटी मिनट्स पूरे नहीं होते तब तक आप नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर नहीं जा सकते आपको आपके जो भी एंसर जो है वो मॉडिफाई करने होंगे तो आपको तभी मॉडिफाई करने पड़ेंगे अगर एक बार आप दूसरे सेक्शन पे चले गए तो उस कंडीशन में आप पहले सेक्शन में जाके आपके जो एंसर है वो मॉडिफाई नहीं कर सकते ये यह यहाँ पर बोला गया है और आपका जो सेक्शन है वो साठ मिनट कम्प्लीट होने के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा अगर नेक्स्ट सेक्शन आपका स्टार्ट हो गया तो उस कंडीशन में आप जो है वो प्रीवियस सेक्शन में नहीं एंटर हो सकते उनके जो आंसर्स आपने टिक किए हैं, उनको भी मॉडिफाई नहीं कर सकते तो इस तरीके से ये चीज आपको याद रखनी है तो आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सोच समझ के सॉल्व करना है देन नेक्स्ट है अ कैंडिडेट शॉल बी डिक्लेयर एज है सेम अटेम तो जो कैंडिडेट है उसको पास डिक्लेयर कब किया जाएगा अगर उसको मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क है हर पेपर में ईच पेपर सेपरेटली मतलब तीनों पेपर में अगर फिफ्टी परसेंट मार्क है मिनिमम तो उस कंडीशन में उसको पास डिक्लियर कर दिया जाएगा और इस साथ में यहाँ पर यह भी बोला गया है कि कैंडिडेट को तीनों पेपर एक ही अटेम्प्ट में पास करने होंगे मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क जो है वो एक ही अटेम्प्ट में लाने होंगे तभी वो एज अ पास करके डिक्लेयर किया जाएगा देन नेक्स्ट क्या बोला गया है रिजल्ट फॉर प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट विल डिस्प्ले ऑन एन बी एम एस वेबसाइट देयर इज नो प्रोविजन फॉर री टोटलिंग री इवेल्युएशन ग्रेस मार्क्स तो यहाँ पर आप देखिए क्या बोल रहा है जो रिजल्ट है जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनका रिजल्ट एनबीएमएस की वेबसाइट पे जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा और यहाँ पर यह भी बोल रहा है कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर री टोटलिंग री इवेल्युएशन और ग्रेस मार्क तो आपका जो पेपर है वहाँ पर कोई रीटोटलिंग नहीं होगी री इवेल्यूएशन नहीं होगा पेपर्स का साथ में ग्रेस मार्क्स भी नहीं रहेंगे जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं बोर्ड के तो वहाँ पर आप री चेकिंग के लिए डाल सकते हैं री टोटलिंग करवा सकते हैं तो यहाँ पर जो है ये जो एग्जिट एग्जामिनेशन है यहाँ पर आप रीटोटलिंग नहीं कर सकते री इवेल्यूएशन भी नहीं कर सकते और साथ में ग्रेस मार्क भी यहाँ

देन यहां पर क्या बोल रहा है देयर शॉल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू अपियर इन द एग्जामिनेशन तो यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है कि आप एक ही बार ये एग्जाम दे सकते हैं या फिर दो ही बार दे सकते हैं आप कितने भी बार ये एग्जाम दे सकते हैं इनके में ये एग्जाम देने के लिए पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए हैं। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है हाउ एवर डी पी ई बींग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वंस अ कैंडिडेट क्वालिफाइज द डी ई, ही और शी शॉल नॉट बी एलिजिबल टू टेक अ डी ई अगेन अगर कोई पर्सन डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम को पास करता है पास करने के बाद वो क्वालिफाइड हो जाता है तो जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई ऑलरेडी हो चुका है और अगर वो फिर से एग्ज़ाम देना चाहता है तो ये पॉसिबल नहीं है वो पर्सन एलिजिबल नहीं होगा इस चीज़ के लिए वो अगेन डी पी के एग्ज़ाम नहीं दे सकता इस तरीके से ये कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हमें दिए गए हैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए थैंक यू